200 करोड़ क्या 200 करोड़ रुपए दिए तो भी हमारी पार्टी किसी को पीछे के बेचने वाली नहीं। कांग्रेस वालों ने शरण को जो है ना एक मोहरा बनाया। क्या कट्टर दुश्मन को हम टिकट बेचते हैं? ये शरण का स्टेटमेंट नहीं है, कांग्रेस का बनाया हुआ जबान शरण की है, बोल नॉर्थ के कांग्रेस के है। मेरी टिकट आज फाइनल नहीं हुई, 1.5 साल हुआ मेरी टिकट फाइनल हो। शरण आई थी मिले मैडम के घर में जाके, बंद कमरे में आदिल और फराजुल इस्लाम से मीटिंग करके, ये प्रोपेगंडे वाला झूठा एक स्टेटमेंट तैयार किया है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। मैं सैयद सज्जाद अली इनामदार, आम आदमी पार्टी के गुलबर्गा नॉर्थ के एस्पिरेंट और आम आदमी पार्टी कर्नाटका स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी, गुलबर्गा शहर में आज एक बात पर हर जगह चर्चा हो रही है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, गुलबर्गा शहर में, गुलबर्गा नॉर्थ में आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग बन गई, इतनी स्ट्रांग बन गई कि कांग्रेस को जो है ना डर महसूस हो रहा है, बौखलाहट पैदा हुई है। आज 90% लोग, यानी 10 लोगों के पास जाते हैं तो 9 लोग कहते हैं साहब आम आदमी पार्टी सबसे अच्छी है, आम आदमी पार्टी हमको बहुत सहूलत दिलाती है। जैसा कि आप हम परसों अनाउंस करें, हर नौजवान को बेरोजगार, जो जिसको रोजगार नहीं उसको बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे स्कीम्स हैं, फ्री 200 यूनिट, फ्री करंट, फ्री पानी, फ्री स्कूल, फ्री हेल्थ, ये सब हैं। ये सब यहाँ के लोगों को मालूम हुआ गुलबर्गा, खासकर गुलबर्गा नॉर्थ को। गुलबर्गा नॉर्थ में पब्लिक जो है ना आम आदमी पार्टी के तरफ होने के वजह से ये सियासी पार्टियां क्या है, आम आदमी को किस तरह से बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की को बदनाम करने के लिए बीजेपी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। सारा हिंदुस्तान जानता है, देश जानता है, बीजेपी आम आदमी पार्टी की कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। आज मोदी जी, अमित शाह अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को। मालूम है आप तमाम को, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जो है ना दिल्ली में हर जगह हॉस्पिटल बने, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बने, आवाम को जो है ना सहूलत दिए, तो ये सहूलत की वजह से सारा हिंदुस्तान जो है ना आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा, तो सत्येंद्र जैन को ले जाके अंदर जेल में डाल दिया बगैर किसी ऑफेंस के, बगैर किसी सबूत के। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी, दुनिया के नंबर वन, दिल्ली के नहीं, दुनिया आज अप्रिशिएट कर रही, नंबर वन एजुकेशन मिनिस्टर, 25 लाख बच्चों को उन्होंने फ़ायदा कराया सरकारी स्कूल में दाखिला देकर, कई आलीशान बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग बनाए, हाईटेक स्कूल बिल्डिंग बनाए, एयर कंडीशन रूम्स जो है ना क्लासरूम बच्चों के लिए बनाए। अब ये सारे देश में बनाते हैं, अभी कर्नाटका के उन्होंने स्टार कैंपेन है नहीं बोल के उनको परसों 15 दिन पहले अरेस्ट करके अंदर डाल दिए। तो इससे हमारे को ख़त्म करने, यानी आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर जो है ना हमला करने वाले, बीजेपी के साथ कोई तय कर सकता है? कोई पागल तो बोल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई ये कहा कहता है गुलबर्गा नॉर्थ की टिकट 2 करोड़ में आप बीजेपी वालों ने आम आदमी के लीडरों से खरीद कर लिया है। क्या कट्टर दुश्मन को हम टिकट बेचते हैं? क्या गुलबर्गा एक ही है बेचने के लिए? 224 सीटें कर्नाटका में, 2 करोड़ क्या 200 करोड़ रुपए दिए तो भी हमारी पार्टी किसी को पीछे के बेचने वाली नहीं। जैसे कि आप बहुत सारे हैं टिकट खरीदने वाले हमारे पास, मल्ल्या जैसे, मोदी, अडानी, अंबानी के जैसे एजेंट लोग हैं, करोड़ों रुपए दे सकते हैं, करोड़ों रुपए नहीं जाएगी हमको।
क्राइटेरिया ईमानदार पार्टी ईमानदार कैंडिडेट को ढूंढती है गुलबर्गा नॉर्थ में। मेरे को आज टिकट फाइनल नहीं हुआ है, मैं 23 सितंबर 2021 को जब पृथ्वी रेड्डी प्राइम प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी कर्नाटका और रोमी भाटी जी हमारे कर्नाटका के इंचार्ज थे, उन्होंने 23 सितंबर 2021 को मुझको सदर बनाया गुलबर्गा सिटी का, और साथ साथ जब ही कहा सज्जाद साहब आपको गुलबर्गा नॉर्थ से लड़ना है, आप बहुत पॉपुलर हैं, हम सुने हैं कॉरपोरेशन इलेक्शन में, आपको आज टिकट फाइनल नॉर्थ की। मेरी टिकट आज फाइनल नहीं हुई, 1.5 साल हुआ मेरी टिकट फाइनल होके। हमारे पास 200 करोड़ दिए थे, बीजेपी के कौन है यहाँ के कैंडिडेट अगर 200 करोड़ देते दूसरे किसी एक मेरे सपोर्टर को टिकट दे बोलते हम नहीं देते। आज बीजेपी भी यहाँ पर बौखला गई है, बीजेपी भी, क्योंकि शाह बाजार में सारे हिंदू एरिया में आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं, सज्जाद अली बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पर। तो ये शरण आईटी क्या है पहले मैं वो बताता हूँ आप। शरण आईटी 2016 में आम आदमी पार्टी में प्राइमरी मेंबरशिप लिया है, उसके बाद उसने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हो गया, बीजेपी में ज्वाइन हो गया। बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद बीजेपी में जो है वो जो अगो कर रहा, बीजेपी में बहुत सारे स्कैंडल कर रहा, तो बीजेपी वालों ने बीजेपी के पार्टी के खिलाफ चलने की वजह से बीजेपी वाले उसको पार्टी से बाहर डाल दिए, निकाले नहीं बाहर डाले। फिर उसने हमारे पार्टी में बेंगलुरु में जाके कुछ बहका के फुसला के रिक्वेस्ट करके हमारे पार्टी में आया, आने के बाद मैं इसको प्रेसिडेंट बनाया, कलबुर्गी सिटी का यूथ प्रेसिडेंट बनाया। यूथ प्रेसिडेंट इसलिए बनाया कि एक अच्छा लड़का है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, ये है। तो जब मैं बनाया उसके 2 महीने के बाद वो शुरू कर दिया अपना ही चीज, बीजेपी में जैसा करता था बाहर डाले, हमारे पास भी वही शुरू करा, किसी इंजीनियर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पार्टी के परमिशन नहीं लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फर्स्ट करे छोड़ दिए। मेरा कहना था उसको, मेरी वार्निंग थी उसको, जो भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते किसी ऑफिसर के खिलाफ उसको अंजाम तक पहुंचाना है तो कराना, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो तुम माल गोलमाल कर रहे हो उसमें। तो उसके बाद हमारी पार्टी सीरियस हो गई, कई पे सीरियस हो गई। उसने वो क्या कर रहा, मीडिया वालों के ये न्यूज़पेपर होते नहीं, उनके रिपोर्टर के, उनके हाईकमांड, उनके जो है ना संपादक के फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा। वो शेयर करने की वजह से हमारे हाईकमांड, स्टेट हाईकमांड ने 30 अगस्त 2022 को वहाँ से आदेश दिया, वहाँ से हमको डायरेक्शन दी, इमीडिएट इसको पार्टी एक्टिविटी से हटा दो। तो 30 अगस्त 2022 को हमने उसको लेटर देकर व्हाट्सएप पे उसको पार्टी की एक्टिविटीज से हटा दिया, बंद कर दिया। ये करने के बाद वो शख्स जो है ना इन्हों पार्टी से निकाले मेरी, वो तो और फिर मैं पार्टी में हूँ बोल के, हमारे पार्टी में है ना, हम निकाल दिए 30 अगस्त को निकाल दिए। उसके बाद वो फिर जो है ना कंटिन्यू कर रहा, फिर उसके बाद स्टेट से डायरेक्शन है 8 तारीख को फिर उसको एक लेटर देके जो है ना उसको पार्टी से एक्सपेल, उच्चाटने, बर्खास्त कर दिया। उसके बाद उसने लीगल टीम को गए, स्टेट की हमारे लीगल टीम, वो लीगल टीम बोले हाँ तू हमारे पास प्राइमरी मेंबर है ही नहीं, जब एक बार तुम ज्वाइन हो के 3 साल में रिन्यू करना, नहीं तो मेंबरशिप चले जाती है। ये रिन्यू करने के बजाय वो बीजेपी में भी छोड़ के गया तो उसके मेंबरशिप की वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद हम पार्टी से निकाले, मैं एस्पिरेंट हूँ बोल के सारे शहर में पोस्टर लगाते फिर रहा, ये क्या बेशर्मी की बात है। एक बार किसी को पार्टी में नहीं, उधर फटक के नहीं देखते, वो अगर अच्छा पॉलिटिशियन है। तो आज क्या हो रहा है,
मैं एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट गुलबर्गा शहर में, गुलबर्गा नॉर्थ में, वाटर का मसला जो पानी, पीने के पानी का मसला, सक्सेसफुल फाइट, रिंग रोड का कारपेट का मसला सक्सेसफुल काम करा दिया, रिंग सर्विस रोड का मंजूर कराए थे, टेंडर हो रहे, उसके बाद आईडीसी हजारों लोगों को पर्सनल फ़ायदा होते 20,000 रुपये, वो बड़ा बाप आईडीसी जसकाम के जो खरी लूट कर रहे थे वो लूट स्टॉप करने के लिए हमने नुमाइंदगी की, इंशाल्लाह वो शॉर्टली ऑर्डर आईडीसी का कैंसिल होता है, हर कनेक्शन लेने वाले को 20,000 रुपये हम बचत करा रहे हैं। ये सोच कर मैडम और मैडम की टीम, गुलबर्गा नॉर्थ की टीम 24 फरवरी 2023 को 3 से 5 के बीच में शरण आई थी, मिले मैडम के घर में जाके बंद कमरे में आदिल और फराजुल इस्लाम से मीटिंग करके, ये प्रोपगंडे वाला झूठा एक स्टेटमेंट तैयार किया है। अगर इसकी किस सच्चाई होना है तो मैडम के घर का जो सीसी कैमरा है 3 बजे से 5 बजे के बीच में शरण आते जाते नजर आता है। तो ये जो है ना, ये बोकलाहट में कांग्रेस वालों ने शरण को जो है ना एक मोहरा बनाया है। ये शरण का स्टेटमेंट नहीं है, कांग्रेस का बनाया हुआ जबान शरण की है, बोल नॉर्थ के कांग्रेस के है, हाँ ये नॉर्थ के कांग्रेस के। अगर शरण जो कह रहा है 2 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी को टिकट बेचे हैं, नंबर वन। नंबर टू, 24 फरवरी 2023 को इन्होंने मैडम के घर में जाके आदिल और फराजुल इस्लाम से मीटिंग नहीं की है तो वो शरण बसवेश्वर टेम्पल में जाएगा, क्या करेगा उसके बेटे के साथ। और कहता हूँ शरण आईटी को कहता हूँ, ये तीन जो इल्ज़ाम लगाए, तीसरा एक आधी रात को जाकर एक लीडर जो है ना बीजेपी के लीडर से बात किया है, उसका लीडर का नाम बताओ, 24 घंटे के अंदर हम गेट पास देते पार्टी से, कोई भी रंदे चाहे ये आप हैं या आप हैं या कोई भी रंदे या मेरा बेटा कोई भी रंदे, उसको गेट पास देते आम आदमी पार्टी से। तो शरण आईटी को हम संडे तक का टाइम देते, तुम्हारा ये झूठा स्टेटमेंट, सारी अवाम को गुमराह करने वाला स्टेटमेंट सच है तो तुम तुम्हारे बेटे के साथ शरण बसवेश्वर मंदिर में जाएंगे, शरण बसवेश्वर की मूर्ति के ऊपर हाथ रख के कहेंगे कि ये तीनों मेरे जो एजेंडे स्टेटमेंट है वो सही है तो ठीक है, वरना तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, डिफर्मेशन डाला जाएगा। झूठ छुपता नहीं, ये कांग्रेस क्या है, खत्म हो चुकी है, अब घुटनों पे चल रही है कांग्रेस बिकॉज ऑफ सज्जाद अली। अगर दूसरे उसको स्ट्रांग नजर आते तो उनके खिलाफ भी प्रोपगंडा करते थे, नहीं करते। वो एक कहावत है ना, मीठे आम जहाँ रहते हैं वहीं लोग पत्थर मारते हैं, ये कांग्रेस वाले ये मीठे आम के झाड़ को पत्थर मार रहे। डरने वाला नहीं इनामदार, इनामदार का लकब देते हैं अवाम ईमानदार बोल के, बेदाग हूँ आज तक, जरा समझो, नहीं नहीं जरा समझो, वो ऊपर वाला भी देख रहा है, अल्लाह ताला भी देख रहा है। पूछिए मैडम का तो ये भी कहना है कि उनका छोटी मोटी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी से डायरेक्ट। फिर डर कहीं को मेरे से क्यों डर रहे, ये क्यों करे, मैं इसको प्रो करके बताता हूँ। 24 फरवरी को जो उसको शरण को बुला के तुम जाके ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दो बोल के बोले ना, वो मैं प्रो करके बताता हूँ। अब प्रो करने का क्या, शरण बसवेश्वर टेम्पल पे जाके हाथ रख के बोला तो वो सही है गलत है मालूम होता है आपको।